हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क शेक, पर उसको बनाने के लिए मैंने 25 से 30 बादाम लिए हुए हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से हमें पहले सॉक करके रखना है। कुछ घंटे के लिए हम इसको पानी में भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग से पानी में भिगो के रखे हुए थे और इनका छिलका मैंने यहाँ से निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। तो देख सकते हैं सभी को मैंने छील कर रखा हुआ है। तो इनको हम पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले इनका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लेंगे इसको बनाने के लिए, और सभी छिले हुए बादाम को यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीस लेंगे। थोड़ा ही पानी ऐड करना है इसमें, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पीसेंगे हम, जिस तरीके से दाल वगैरह पीसते हैं, का बारीक पेस्ट बना लेंगे। और इसमें छोटे छोटे से चंक्स रह जाएंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको प्रॉपर बिल्कुल ही बारीक नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा चंक्स रह जाएँ। तो इस तरीके का हमें पेस्ट चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं बादाम मिल्क शेक में, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो सभी को मैंने पीस लिया है, तो इसे अलग बाउल में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अरे पिसे हुए बादाम को मैंने बाउल में निकाल लिया है। जार में जो बादाम लगा हुआ है पेस्ट, उसमें थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे और इसको क्लीन कर देंगे। तो थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे इसमें और स्पून की हेल्प से हम इसको सारे पेस्ट को हम बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में दूध ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ, तो 1/2 लीटर दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा ही ज़्यादा है 1/2 लीटर से ये, तो ये एक बार पहले से ही बॉयल दूध है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉयल होने में। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पर सबसे पहले इसमें एक बॉयल आने देंगे। उसको एक दो बार बीच में स्टर करते रहेंगे, तो दूध को एक दो बार बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि दूध पैन में ना लगे। और फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। तो यहाँ पर दूध में आप देख सकते हैं बॉईल एक आ चुका है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून में इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसको चीनी को हम दूध में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर फ्लेवर के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 मैंने इलायची ली हुई है, और इलायची को मैं बारीक यहाँ पर पीस लूँगी। तो इलायची को मैंने पीस लिया है और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसको इलायची को इसमें मिक्स कर लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए यहाँ पर मैं इलायची का फ्लेवर इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। केसर को मैं डायरेक्ट ही दूध में डालने वाली हूँ। केसर बादाम मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। विंटर में तो केसर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर केसर मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही ऐड करने वाली हूँ। अगर आप इसको इसकी बादाम मिल्क शेक की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको अगर विंटर में बना रहे हैं तो आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको समर में बना रहे हैं तो आप इसको ठंडा करके फ्रीज में चिल भी सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर फिर से मैंने एक जार ले लिया है। जार में मैंने 10 से 12 बादाम ऐड कर दिए और इनको मैं यहाँ पर ड्राई ही पाउडर बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको बारीक पीस लिया है। जितना ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे से इसमें पार्टिकल्स हैं जो कि हम इसको मिल्क में ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं और बिल्कुल क्रंच आएगा इसमें मिल्क में इसका। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ड्राई पाउडर को भी हम इसमें ही ऐड करने वाले हैं। सकते हैं बादाम का मैंने पाउडर बना लिया है, बहुत बढ़िया से पिस चुका है। तो इसको हम अलग साइड में रख देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया फाइन पिस चुका है ये। और तो एक बार मिल्क को भी चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से केसर का इसमें कलर आ चुका है और धीरे धीरे अभी भी ये और ज़्यादा कलर आने वाला है। ये पकता रहेगा और केसर का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है केसर की। तो दूध को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पका लिया है। दूध को पकाने के बाद जब दूध अच्छे से पक जाए, हल्का सा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है, बस इतना कि अच्छे से ये गाढ़ा गाढ़ा सा लगने लगे, टेस्ट में अच्छा लगे,
तो यहाँ पर मैंने इसको जो पेस्ट बादाम का बना के रखा हुआ था, यहाँ पर मैं इसको एक एक स्पून दूध में ऐड करती जा रही हूँ और एक हाथ से इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्ब्स ना बने, क्योंकि हम इसको दूध में ऐड करते हैं बादाम को तो दूध एकदम से थिक होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा से इसमें ऐड करती जाऊँगी और एक हाथ से इसको मिक्स करती जाऊँगी जिससे कि यहाँ पर ये लम्ब्स इसमें ना बने। तो इसी तरीके से आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर सारे ही पिसे हुए बादाम को मैं धीरे धीरे इस पेस्ट को इसमें ऐड कर दूंगी और आप इसको डेली भी बनाकर पी सकते हैं, विंटर में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से आप बादाम को पीस कर फ्रीज में पेस्ट को रख सकते हैं, 3 से 4 दिन तक भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका बादाम मिल्क शेक बनाने का मन हो तो आप इस तरीके से बनाकर पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाला है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देख सकते हैं सारे पेस्ट को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बादाम पेस्ट को दूध में मिक्स करने के बाद सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसको टाइम नहीं लगता है बनने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है, क्योंकि उसको पहले से ही थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया था तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बादाम पेस्ट को ऐड करने के बाद सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए ही पकाना है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है और इसको चलाते रहेंगे और इसको पकने देंगे। और आप देख सकते हैं बादाम मिल्क शेक हमारा रेडी हो चुका है। और ये केसरिया बादाम मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके का हमें चाहिए बादाम मिल्क शेक। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुल्हड़ में इसको सर्व करने वाली हूँ, जिस तरीके से पहले कुल्हड़ में यहाँ पर मार्केट में बादाम मिल्क शेक वगैरह मिलता था। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल रेसिपी है तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से ही, इस तरीके से मैंने कुल्हड़ का मक ले लिया है तो उसी में मैं इसको सर्व करने वाली हूँ, जिसमें देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और पीने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्मा गर्म सर्व कर दिया है, मैंने इसको विंटर में बनाया है तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर रही हूँ। अगर आप इसको समर में बना रहे हैं, गर्मियों में बना रहे हैं, तो आप इसको ठंडा ठंडा फ्रीज में रखकर ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से ठंडा और गर्म दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, वो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से इसको पीना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दूसरे मग में भी ऐड कर दिया है। तो दूध को मैंने कुल्हड़ में सर्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने ड्राई बादाम पाउडर बनाकर रखा था तो इसको भी इसमें एक एक स्पून इसमें ऐड कर देंगे मिल्क में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके जो छोटे छोटे चंक्स हैं जो पाउडर बना के रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगते हैं मिल्क में पीते टाइम, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो बादाम पाउडर को मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा केसर ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही केसर ऐड किया है क्योंकि मैं इसको विंटर में बना रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और केसर की इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो मिल्क के ऊपर यहाँ पर केसर ऐड कर देंगे इसमें और बहुत ही अच्छा कलर आया है केसर का, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने से ही और पीने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो केसरिया बादाम मिल्क शेक को मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टम्पटिंग लग रहा है देखने से ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।